एनपीएसईए के प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने जिला मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जो नई पेंशन स्कीम है जो भारत सरकार ने सभी कर्मचारियों को 2003 के बाद लागू कर रखी है, ये सही नहीं है। इस स्कीम से हर वर्ग का कर्मचारी प्रताड़ित हो रहा है और उनमें रोष पनप रहा है और ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द बहाल करना चाहिए, जिसके लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई बार ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं तथा वार्ताएं भी हो चुकी हैं। पत्राचार के माध्यम से भी सरकार को बार बार अवगत करवाया गया है, परंतु सरकार की तरफ से केवल आश्वासन ही दिखाई दे रहे हैं। कोई ठोस नीति नहीं बनी है और ना ही कोई कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि महासंघ ने 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी सांसदों के घर उपवास रखा था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के चारों सांसदों के घर भी उपवास रखा गया था, जिसमें सभी सांसदों के घर के बाहर लगभग 4 से 5 हजार कर्मचारियों ने उपवास किया तथा मांग पत्र सांसद महोदय को भी सौंपे थे और सांसदों से आश्वासन भी मिला था कि उनकी मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और संसद में उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महासंघ 15 फरवरी को शिमला में बहुत बड़ी मांग रैली का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की लगभग 15 से 20 हजार कर्मचारी भाग लेंगे। इस रैली में हिमाचल प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों के अध्यक्षों को लिखित रूप से बुलाया भी गया है, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रखने की बात की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री को भी इस रैली में बुलाया गया है। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस रैली में भाग नहीं लेते हैं तो एनपीएसईए संघ का मजबूरन विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। इस पत्रकार वार्ता में प्रदीप ठाकुर मंडी जिला अध्यक्ष के अलावा राज्य संगठन मंत्री भिंदर ठाकुर भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमें तपोवन में आश्वासन दिया था कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शीघ्र ही कमेटी का गठन किया जाएगा और जो केंद्र ने जो लाभ दिए हैं उन लाभों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। और इस संदर्भ में हमने 15 फरवरी 2019 को शिमला के चौड़ा मैदान में एक बार फिर से अपनी रैली रखी है और मांग करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। जो रैली के बारे में आपने कहा है ना, उसको इस रैली में 10 से 15 हजार लोग उठेंगे और हमारी एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था उस वादे को तुरंत पूरा करें। अगर नहीं होता है तो फिर क्या आगामी कार्रवाई होगी? आगे हम विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं और चुनावों के अंदर हमें विपक्ष के रूप में काम करना पड़ेगा।